दलित होने पर मेरी कोई नहीं हुई सुनवाई, उल्टा मेरे और मेरे पति पर महाराजपुर थाने में लिख दिया गया मुकदमा। न्याय की आस में पीड़ित अपने परिवार के साथ पहुंची कानपुर आयुक्त कार्यालय। मामला कानपुर नगर महाराजपुर थाना ग्राम इमरियापुर का है, जहां पर एक अनुसूचित जाति का परिवार के साथ की गई मारपीट और जान से मारने की धमकी तक दे दी गई और गांव से भी निकालने को कहा गया। ये पूरा मामला ग्राम इमरियापुर का है। जब पीड़ित आज पुलिस आयुक्त कार्यालय आई तो उसने अपना पूरा दर्द बयां किया। उसने बताया कि गांव के कुछ लोगों के द्वारा मेरे पूरे परिवार और मेरे साथ मारपीट की जा रही है तथा अनुसूचित जाति होने के कारण मेरे पूरे परिवार को गांव से निकाला जा रहा है। इसकी शिकायत जब हमने महाराजपुर थाने में की तो थाने के द्वारा उल्टा ही दलित होने के नाते मेरे और मेरे पति के ऊपर 151 की कार्रवाई कर दी गई और दोषियों पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम यह चाहते हैं कि योगी के सरकार है और दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन मेरे पूरे परिवार पर यादव और ठाकुरों ने दबाव बनाया है और गांव से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। इसकी शिकायत लेकर आज हम कानपुर नगर के नगर आयुक्त के पास आए हैं। पीड़ित ने मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आरटीआई न्यूज 24 के लिए फिरोज भारती की रिपोर्ट। कमिश्नर ऑफिस में आए हैं। आज आपने यहाँ पर अप्लीकेशन दी, यहाँ क्या शासन दिया गया आपको? यहाँ पे जांच के लिए भेज दिया गया। आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि मतलब लोगों की कुछ सुनवाई हो। यहाँ पे कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। थाना चौकी वाले सब भगा दे रहे हैं। यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो कहाँ जाएंगे? मुख्यमंत्री के हम लोग पेश होना चाहते हैं। हम लोग कानपुर नगर में रहते हैं, गाँव मिलिया नारायणपुर है, थाना महाराजपुर लगता है। हमारे घर में घुस के हमारे पूरे परिवार को मारा है। कौन है ये? हमारे गांव में रहते हैं, ये कंधाई लोग हैं। कंधाई है, रिंकी है, ये सब यादव हैं और ठाकुर भी हैं, मतलब कि मोनू सिंह है, अरविंद सिंह है, ये सुनीता है, राजन है, पासी, ये सब कोई पूरा गांव मिल के पूरे घर वालों को इतना मारा है। पुलिस थाना कोई कुछ नहीं कर रहा। गए थे पप्पू यादव हैं, ये सब मतलब पूरा गांव लोग मिल के, हम लोग चमार हैं तो हम लोगों को मतलब गंदी गंदी गाली देते हैं, घर के अंदर घुस के मारते हैं और बोलते हैं कि गांव छोड़ दो और ये सब जेवर ओवर सब उठा लेंगे। जो भी थोड़ा था पिकअप, हमारे हस्बैंड पिकअप चलाते हैं, पूरा पिकअप विकअप सब कुछ तोड़ दिया है। क्या करते हैं ये? करते हैं क्या ये लोग? ये लोग पूरा खेत होते हैं, पैसे वाले हैं तो उन्हीं लोग की सुनवाई होती है। अब थाने में, तो थाने में क्या शासन दिया था? थाने में हम लोगों को भगा दिया गया, बोलते हैं NCR लिख देंगे, सब कुछ कर देंगे और उल्टा हम ही लोगों का चलान हो गया 151 में। हम, हमारे हस्बैंड, हमारे छोटे भाई, करा था आपका? यासो ने महाराजपुर थाना से हम लोगों का चलान हुआ। हम लोगों को बिना जानकारी के हम लोगों को कुछ बताया नहीं गया और सीधा वहाँ छावनी कैंट भेज दिया गया था। वहाँ से हम लोगों ने वकील, वहाँ का एक वकील था, 10,000 रुपए लिए, बोल रहा इतने पैसे लेंगे तब तुम लोगों का सब्जी लगाते हैं। रामादेवी मंडी में कुछ नहीं के सब गए रामादेवी सब्जी लगा ला दे अपने पोपड़ी में तो मारे नाथ मम मारे न मारे कोई सुत है हाथ ही बहु का नहीं आ तो के छोड़ के आ के मेरे घर से मतलब न रहा मैं तब हाथ कर न मारे न चार चार जन पकड़ देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।